हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऑटो पैशन इंडिया। एक और रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम फिर से आए हैं SRM बजाज लखनऊ में। शोरूम की डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड कंसर्न पर्सन का फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर का इस्तेमाल ज़रूर करिए मेरे, ताकि मैं आपको एक अच्छी डील दिलवा सकूं। अगर आप लखनऊ के आसपास से कुछ भी खरीदना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को लेके, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसको लोग ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, वो है बजाज डोमिनार 250। कई लोगों को अभी शायद लगता है कि डोमिनार एग्जिस्ट भी नहीं करती, डोमिनार रहती भी नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बजाज की डीलरशिप पे ये गाड़ियाँ आपको देखने को नहीं मिलती। तो लोगों को पता ही नहीं है कि पोर्टफोलियो में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास 400 के बारे में, 250 के बारे में तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि 250 भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन दोनों में 50 से 60 हज़ार रुपये का डिफरेंस है डोमिनार 250 और 400 में। तो लोग मोस्टली 400 ही प्रेफर करते हैं। मेरे ख्याल से ये बजाज के पास बेस्ट टूरिंग बाइक है और ये अपनी कैपेबिलिटीज़ को साबित कर चुकी है। कई लोग इसको ले जा चुके हैं, क्रॉस कंट्री ले जा चुके हैं, अक्रॉस द नेशन ले जा चुके हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इस डोमिनार का। तो आज हमारे पास है 250 और हम इसको देखने जा रहे हैं काफ़ी क्लोजली। तो अगर आप 250 डोमिनार में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं। अगर आपका बजट उतना नहीं है लेकिन पूरा आपको डोमिनार जैसी ही 400 जैसी ही पूरी लुक चाहिए, तो 250 आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ना आपको साउंड में डिसअपॉइंट करेगी, ना ही आपको लुक में डिसअपॉइंट करेगी। प्लस ये बाइक इतनी कॉमन नहीं है, अगर आप इसको लेके चलोगे तो डेफिनेटली लोग इसको ज़रूर नोटिस करेंगे। एंड अगर आपकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, अगर आप फीमेल राइडर हो चाहे मेल राइडर हो, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। 800 mm की सीट हाइट है, लेकिन बैठना बहुत ही आसान है। बैठने के बाद आपको बिल्कुल भी वेट का एहसास नहीं होगा और कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत हो गया ज्ञान इस बाइक के बारे में, अब जल्दी से आपको बाइक दिखाते हैं। बाइक हमारे सामने खड़ी है ये ब्लैक कलर में। इसमें तीन कलर्स आते हैं, इसमें रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है, यहाँ पे आप ये सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और इसमें एक नियॉन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप उसको भी ज़रूर बुक करा सकते हैं। एंड ये बाइक देखने को नहीं मिलती, मुझे जैसे ही मौका मिला ये बाइक यहाँ मौजूद है शोरूम पे SRM लखनऊ में, SRM बजाज लखनऊ में। तो ज़रूर मैं इसको कवर करना चाहता था, बहुत टाइम से वेट कर रहा था। फ्रंट में USD फोक्स आप देख सकते हैं, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, ब्रेम्बो की ब्रेकिंग मिल जाती है, 300 mm का फ्रंट का डिस्क मिल जाता है, 37 mm का ये फ्रंट का आपको USD फोक मिलेगा, एंड इसका ट्रेवल है 135 mm का, फुल LED लाइट्स का सेटअप मिल जाएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन फेस है। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको प्योर डोमिनार 400 जितना ही मिलेगा। एंड फ्रंट में यहाँ पे टिंटेड आपको वाइजर मिल जाएगा, लाइसेंस नंबर प्लेट मिल जाएगी, यहाँ पे अच्छे कट्स में आपको फ्रंट का फेंडर मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है। फ्रंट में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। टायर साइज़ एक बार मैं आपको बता दूँ, 180/17 दिया हुआ है, एंड 17 इंच के टायर्स फ्रंट और रेयर दोनों में मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर और पीछे आपको 130/70/17 दिया हुआ है। पीछे आपको 230 mm की डिस्क प्लेट मिलेगी, डुअल चैनल ABS है, ब्रेम्बो की ब्रेकिंग है, डुअल इसमें एग्जॉस्ट लोड मिल जाते हैं। बहुत ही सेक्सी आवाज़ है इसकी, वन ऑफ द बेस्ट जो बजाज के पास प्रोडक्शन बाइक्स हैं उनकी आवाज़ में से डोमिनार इज द टॉप रेटेड फॉर मी। आप क्या सोचते हो आप ज़रूर बताना। पीछे से एक बार लुक देख लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कितनी हैवी बाइक लगती है, 250 cc की बाइक है तब भी कितनी ज़्यादा हैवी लगती है। बजाज के पास खुद के पास भी 250 cc है, 200 cc हैं, तो खुद के पास बजाज ने और भी कंपटीशन खड़ा कर रखा है, इसीलिए लोगों की नज़र डोमिनार 250 पे नहीं जाती। मुझे तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि जब इससे कम प्राइस पे 200 cc और 250 cc ऑलरेडी बजाज ऑफर कर रहा है, तो हम डोमिनार पे इन्वेस्ट क्यों करें, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग बाइक है। आप अगर पल्सर सीरीज़ से थोड़ा बोर हो चुके हो, उसके लुक से थोड़ा बोर हो चुके हो, उसके कॉमननेस से थोड़ा बोर हो चुके हो, तो डोमिनार 250 इज़ द बाइक टू गो। बहुत अच्छा लगता है, फ्रेम बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। पीछे यहाँ पे आप देख लीजिए, पीछे का फेंडर पूरा आपको फाइबर फिनिश मिलेगा, पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे, एंड इसका ट्रेवल आपको 110 mm का मिलेगा। प्री लोड के हिसाब से एडजस्ट आप इसको कर सकते हो। 250 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है फ्रंट में, आप रेडिएटर देख लो, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नीचे प्रोटेक्शन दी हुई है,
बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश है, बहुत ही अच्छी ग्रिल दी हुई है फ्रंट में, चाहे आप रेडिएटर की बात करो चाहे नीचे इंजन के नीचे की बात करो। एंड इसका मैक्सिमम पावर आपको मेरे ख्याल से 27 PS का मिलता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क जो है वो इसमें 23.5 न्यूटन मीटर का है, जो आपको 6,500 RPM पे मिल जाएगा। एंड 8,500 RPM पे इसका मैक्सिमम पावर आपको मिल जाएगा 27 PS का। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बल्कीनेस लगती है, टैंक इतना बड़ा दिया हुआ है। एंड इसकी क्लोजअप जब आप इसका देखेंगे, तो आपको जब बैठ के देखते हो ना, तो ये यहाँ से एक बार इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा बड़ा लगता है। टैंक बड़ा हुआ है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन स्क्रीन आ जाती है, एंड फुल्ली डिजिटल मीटर आपको यहाँ मिल जाता है। ये मीटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो अभी करंट पल्सर्स में चल रहा है। यहाँ पे हम इसके ट्रिप सेट कर सकते हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडो, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत ही सिंपल है। डिजिटल में फ्यूल गेज मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, गियर शिफ्टिंग आप देख सकते हो, टाइम यहाँ से सेट रीसेट कर सकते हो, सारे यहाँ पे एल्यूमिनेट कर जाते हैं, सारे जो भी स्विचेस के ऊपर आपको ग्लो करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रात में हेल्पफुल रहता है। ग्रिप्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बार एंड आपको यहाँ पे मेटल फिनिश मिलता है, यहाँ पे बार भी आपको कोई क्लिप ऑन नहीं मिलता, स्ट्रेट बार मिलता है, बेसिक बार मिलता है। यहाँ पे देखिए आर्म जो पूरे मिरर का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। डोमिनार यहाँ पे पूरा की स्टिकर लगा हुआ है, तो ये भी अच्छा लग रहा है, 3D स्टिकर है। एंड यहाँ पे सिल्वर का यहाँ पे काम मिल जाता है, ब्लैक के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। टैंक पैड कंपनी लगा के दे रही है, तो ये भी दिक्कत नहीं है। स्प्लिट में सीट मिल जाती है, एंड ये सीट आप देख रहे हो, ये सीट को दबा के देखना अगर आपको ये देखने को मिले, और साथ में पल्सर की सीट दबा के देखना, आपको इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सीट चेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एज अ टूरर बजाज ने इसको लॉन्च किया है, हमेशा से प्रमोट किया है, लेकिन 250 को वो अच्छे से मेरे ख्याल से प्रमोट नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी रीज़न बता चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी भी ऑल प्रोडक्ट्स हैं बजाज के पास जो 250 CC के आसपास करते हैं, तो लोग फालतू में पैसा क्यों लगाएं 250 डोमिनार के लिए, इसलिए लोग 400 पे स्विच कर जाते हैं। टूरिंग की वजह से इसकी सीट की फर्नेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाहे आप इससे लॉन्ग टूर करो चाहे शॉर्ट टूर करो, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला। एंड टूरिंग की इसकी पूरी आप एक किट ले सकते हो आफ्टर मार्केट, डोमिनार की टूरिंग किट्स बहुत सारी आपको मिल जाती हैं, साइड में सैडल बैग मिल जाएगा, छोटे टैंक बैग्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं आफ्टर मार्केट एंड कहीं पे भी अच्छे एक एसेसरी स्टोर पे। पीछे ग्रैब हैंडल आपको मेटल फिनिश मिलेगा, अच्छा लगता है, LED लाइटिंग्स हैं, चाहे आप पीछे की टेल लाइट देख लो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड टायर साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है, ये 130 की जगह 150 या 140 होता तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा और हैवीनेस इस बाइक को प्रोड्यूस मतलब देखने में, और थोड़ा विजुअल इफेक्ट्स थोड़े और भी अच्छे हो जाते। एंड यहाँ पे ये आपको लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह है, लाइट दी है, रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, बाकी इधर दोनों तरफ साइड में रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बाइक है। अब चलिए जल्दी से इसकी आपको आवाज़ सुना देते हैं। बेसिक की है, दो आपको कीज़ मिल जाती हैं, बेसिक लॉक मिल जाता है, यहाँ से सेट एंड रीसेट आप कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ग्लो कर रहा है, सेटिंग्स का ABS का, OBD2 है ये, एंड इसको स्टार्ट करते हैं। लाइट्स देख लो सबसे पहले आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ब्राइट है, एंड आइडल में आवाज़ तो ये चीज़ आपने आवाज़ सुनी, ये आवाज़ इसकी ऐसे ही हैवीनेस आती है, जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है ऐसा लगता है कि कोई भारी बाइक, कोई बड़ी बाइक स्टार्ट हो रही है, तो ये इसका प्रेजेंस भी यही चीज़ बोलता है, और इसके एग्जॉस्ट का नोट भी यही चीज़ बोलता है। देख रहे हैं कितना मोटा पाइप आया है ये, एंड बहुत ही अच्छा किया है, कवर अप किया हुआ है, यहाँ ब्लैक आउट में फुल एग्जॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर मेटल कवरेज दी हुई है चाहे आपका पैर ना जले, एंड यहाँ पीछे आपको मेटल फिनिश मिल जाता है। आर्म काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन पूरा फ्रेम है, यहाँ पे फ्रंट में रबराइज मिल जाता है, सिल्वर फिनिश में यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक मिल जाएगा, बाकी ऑल ब्लैक में पूरा इंजन दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड DOHC इंजन है इसमें दोस्तों, DOHC ट्रिपल स्पार्क FI इंजन है, एंड ये DOHC और किसी भी पल्सर की पूरी रेंज में नहीं आता, तो ये सिर्फ आपको डोमिनार ही प्रोवाइड कर रही है, तो इंजन वाइज आप टेंशन मत लो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजन है ये। एंड
एवरेज की अगर हम बात करें, पहले फ्यूल टैंक आपको बता देते हैं, 12 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक है एंड ये अंडर 30 ही आपको माइलेज निकाल के देने वाला है। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली डोमिनार 250 आप ही के लिए है। एक कुछ आपको अलग बाइक चाहिए और बजाज का ब्रांड चाहिए तो डोमिनार 250 आपके लिए। आपको हैवीनेस चाहिए अपनी बाइक में तो डोमिनार आपके लिए है। आपको अच्छी आवाज़ चाहिए, हैवी आवाज़ चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए बजाज के और भी प्रोडक्ट से, पल्सर्स को अगर हम कंपेयर करें इससे तो ये प्रोडक्ट आप ही के लिए है। एंड इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ, 1.84 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम प्राइस है लखनऊ में एंड 2.21 लाख रुपीज़ का ऑन रोड प्राइस है लखनऊ का। तो अगर आप लखनऊ के आसपास से लेते हैं तो इसी के आसपास ही कोई डील आपको क्लोज करनी पड़ेगी। बेस्ट प्राइसेस के लिए मुझसे कांटेक्ट करिए नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे, मैं पूरी हेल्प आउट करूंगा आपकी। एंड जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत लोग अभी भी बिना सब्सक्रिप्शन के ही देख रहे हैं, तो छोटी सी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लिए बहुत, एक जस्ट अ क्लिक है। तो प्लीज़ ये करके ज़रूर जाइएगा, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं 8-9 महीने से आपके लिए। सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए उस पर भी हम लाते हैं डेली। एंड इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो मेल के थ्रू भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, तो सारे मीडियम्स मैंने आपको बता दिए। स्पेशल थैंक्स कहते हैं SRM बजाज को, जिन्होंने हमें वक्त दिया इस गाड़ी को कवर करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे नया शोरूम है, फ्रेंडली स्टाफ है, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, वेटिंग पीरियड ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है कि ये शोरूम खुल चुका है यहाँ पे। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए एंड 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।